ओके बच्चों, तो आज हम लोग फिजिक्स का वन ऑफ दी मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम क्या है? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हमने पिछले चैप्टर में देखा कि अगर हम लोग क्या करेंगे, कोई सॉलिड लेंगे, क्योंकि हम लोग पिछले चैप्टर में सॉलिड्स की बात कर रहे थे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अभी क्या पढ़ रहे हैं? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। तो पिछले चैप्टर में हमने ये देखा कि अगर हम लोग किसी बॉडी पे जब फोर्स लगाते हैं, तो ऐसा फोर्स जो उस बॉडी को मूव ना करे, वो फोर्स यानी डिफॉर्मिंग फोर्स उस बॉडी का क्या हाल करता है। ये पिछले चैप्टर में देखा कि फोर्स लगेगा तो बॉडी कैसे कैसे बिहेव करती, ये पिछले चैप्टर में देखा। इस चैप्टर में ये देखेंगे कि अगर हम लोग क्या करेंगे, किसी सिस्टम को यानी सॉलिड या लिक्विड या गैस को थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, आसान भाषा में हीट प्रोवाइड करेंगे, तो वो कैसा बिहेव करता है। तो इसके बारे में अपने को पढ़ना है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बात समझ आई कि अगर सिस्टम में हीट दी जाए या सिस्टम से हीट निकाली जाए, उसका बिहेवियर कैसे होगा, ये अपने को पढ़ना है, ठीक है ना। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेबल टॉपिक इन फिजिक्स है, इसका क्या है नाम? हीट वर्सेस टेम्परेचर, है ना। तो यहीं से इसकी शुरुआत करते हैं, हीट वर्सेस टेम्परेचर के बारे में। तो जब भी ये कहीं टॉपिक स्टार्ट होता है, जनरली कॉलेजेस में स्टार्ट होता है, तो टीचर इतना कह देता है कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। यहाँ पर ख़त्म ये टॉपिक, है ना। जबकि ये टॉपिक को बहुत कुछ डिस्कस किया जा सकता है, बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किया जा सकता है, डिस्कस करना भी चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आप क्या समझते हैं हीट और टेम्परेचर के बारे में? क्या होता है हीट, क्या होता है टेम्परेचर? इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यही पढ़ा है, यही रट के आए बचपन से, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। कोई चीज़ कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, कौन बताएगा? टेम्परेचर बताएगा। ठीक, शुरुआत करता हूँ मैं अपने ढंग से, आइए इसको समझते हैं। और मैं आपको एक्चुअल डेफिनेशन आज बताता हूँ हीट का और टेम्परेचर का। सबसे पहले इस बात को समझो कि अगर मैं क्या करता हूँ, एक ऐसे पाइप ले लेता हूँ, पतला सा पाइप, और इस पतले से पाइप को एक मोटे से कंटेनर के साथ में मैं ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, है ना। तो एक मोटा कंटेनर, एक पतला कंटेनर है, कंटेनर दोनों के अंदर क्या है, फॉर एग्जांपल पानी है, वाटर डाल के रखा है मैंने दोनों में। तो इस बात को समझो मैं क्या कर रहा हूँ अभी। ऐसा है, यहाँ पर जो इसकी हाइट है वो है आपकी h1, और इसकी जो हाइट है वो हाइट क्या है ग्राउंड से? h2। हाइट ज़्यादा होगा तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि क्या ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि प्रेशर इज इक्वल्स टू h ρg, कि अगर हाइट ज़्यादा होगी तो क्या ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि इन दोनों केसेस में प्रेशर कहाँ ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है कि यहाँ पर ज़्यादा है, तो आप हाइट कहाँ देखेंगे, h2 ज़्यादा है। अगर h2 इज़ ग्रेटर देन क्या है, h1 है, मतलब यहाँ का प्रेशर अगर क्या है, p2 है, तो p2 इज़ ग्रेटर देन क्या होगा, p1 होगा। तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से भले यहाँ पानी कम है, यहाँ पानी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कम पानी वाले साइड से ज़्यादा पानी वाले साइड पर वाटर क्या करेगा, फ्लो करेगा। वाटर इधर ही तो फ्लो करेगा, वाटर कहाँ फ्लो करता है, जहाँ पर ज़्यादा, जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से कहाँ पर फ्लो करेगा, जहाँ पर प्रेशर कम है। बात समझ आई? तो वाटर फ्लो कब होता है, जब प्रेशर डिफरेंस होता है। वाटर फ्लो कब होता है, जब प्रेशर डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा, यहाँ पर प्रेशर कम, तो वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, ज़्यादा प्रेशर वाले साइड से कम प्रेशर वाले साइड की तरफ फ्लो होगा। भेजे में गया, ठीक। तो यहाँ से ये बात समझ आती है इकरा, यहाँ से ये बात समझ आती है कि अगर प्रेशर का डिफरेंस होगा, अगर प्रेशर का डिफरेंस होगा तो वाटर फ्लो होगा, अगर प्रेशर डिफरेंस होगा तो वाटर फ्लो होगा। पहले एग्जांपल से ये समझ में आता है। तो पहले एग्जांपल से समझ आया कि प्रेशर डिफरेंस होता है, प्रेशर डिफरेंस होता है तो क्या होता है, वाटर फ्लो होता है, ठीक है ना। दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। दूसरा एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इलेक्ट्रिकल वायर है, इलेक्ट्रिकल वायर में से करंट कब फ्लो होता है, तो आपने ये पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिकल वायर को आप क्या करते हो, एक सेल से कनेक्ट करते हो, और उसके बाद क्या होगा, सर्किट कंप्लीट है तो करंट फ्लो हो जाएगा। तो ये सेल करता क्या है, ये सेल ये करता है कि इसके वायर के एक एंड को है ना हायर पोटेंशियल पे लेके जाता है, और दूसरे एंड को क्या कर देता है, लोअर पोटेंशियल।
समझे। अब करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। यानी अगर किसी वायर में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो क्या उसमें फ्लो होगा, करंट फ्लो। करंट फ्लो होगा मतलब चार्ज यहाँ से यहाँ चल करके जाएगा। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? तो प्रेशर डिफरेंस होगा तो क्या फ्लो होगा, वाटर फ्लो होगा। कहाँ से कहाँ, हायर प्रेशर वाली साइड से लोअर प्रेशर वाली साइड की तरफ। बात समझ आई। और अगर पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो होगा। पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। कहाँ से, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। बात समझ आई, ठीक। ये यहाँ से समझ आया दूसरे एग्जांपल से कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जैसे ऊपर क्या था प्रेशर डिफरेंस, यहाँ पर क्या है पोटेंशियल का अगर डिफरेंस होगा तब क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तब क्या होगा, करंट फ्लो होगा। बिल्कुल ऐसे ही तीसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये है कि अगर हमारे पास इसे एग्जांपल में एक ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या है 100 डिग्री सेल्सियस पे है और दूसरा ऑब्जेक्ट उसके कांटेक्ट में है और वो फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेल्सियस पे है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर किस चीज़ का डिफरेंस है, टेम्परेचर का डिफरेंस है। इतना तो आइडिया है, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर का डिफरेंस है। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तब भी कुछ फ्लो होगा, क्या फ्लो होगा, हीट फ्लो होगा। हीट फ्लो होगी ना यहाँ से, हाँ कहाँ से कहाँ जाएगी, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। कौन फ्लो होगा, हीट फ्लो। बात समझ आ रही है। तो मैं आपको सबसे पहली चीज़ यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिजिक्स में प्रेशर वोल्टेज और प्रेशर पोटेंशियल, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल और तीसरा चीज़ क्या, टेम्परेचर, तीनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये सिमिलर चीज़ें हैं। जैसे प्रेशर का डिफरेंस होता है तो क्या होता है, वाटर फ्लो होता है। पोटेंशियल का डिफरेंस होता है तो क्या होता है, करंट फ्लो होता है। और टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तो, प्रेशर का डिफरेंस होगा तो कहाँ से कहाँ वाटर फ्लो होगा, हायर से लोअर की तरफ, है ना। करंट अगर पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होगा। और अगर टेम्परेचर का डिफरेंस होगा दो कॉन्टैक्ट वाली बॉडीज़ में तब हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो। तो जो करंट है वही हीट है और जो वाटर फ्लो है वही करंट और वही हीट है। तुम समझ रहे हो, तीनों अलग अलग चीज़ें नहीं है, सिमिलर हैं। बात समझ आई। लेकिन इस चैप्टर में अपने को इन दोनों के बारे में तो नहीं पढ़ना, इसके बारे में पढ़ना, इसके बारे में पढ़ना। बात समझ आई। अब असल मुद्दा आ जाता है, असल मुद्दा ये है कि जब टेम्परेचर का डिफरेंस है तो हीट फ्लो हो गई, कहाँ से कहाँ, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। तो सवाल ये उठता है कि ये हीट और टेम्परेचर होता क्या है, ये क्या चीज़ होती है हीट, क्या होता है टेम्परेचर। यहाँ से समझ में आता है कि करंट फ्लो हो रहा है मतलब चार्ज चल करके जा रहे हैं, वाटर फ्लो हो रहा है मतलब पानी बह रहा है ना, हीट फ्लो हो रही है तो क्या फ्लो हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस है, यहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस है समझ में आता है, दबाव का डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब क्या, वर्क डन का डिफरेंस है, यहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस है, इसका क्या मतलब होता है। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? तो यहाँ से एक्चुअल हमारा टॉपिक शुरू होता है कि हीट और टेम्परेचर का एक्चुअली मतलब क्या है। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ, उससे पहले आप लोग कॉपी करिए फटाफट से। आइए अब जो है हमारा मुद्दा अभी ये है आगे का कि हीट क्या चीज़ है, टेम्परेचर क्या चीज़ है। तो हीट क्या है ये समझने के लिए अलग अलग थ्योरी आई। सबसे पहली जो थ्योरी आई वो आई कैलोरिक थ्योरी। कौन सी थ्योरी, कैलोरिक थ्योरी, ठीक है। बुक में ये सब नहीं है, एक्स्ट्रा पार्ट बता रहा हूँ मैं, क्योंकि पूरा अगर इंटरेस्ट डेवलप करना है तो मुझे ये चीज़ें समझानी है आपको। तो सबसे पहली कौन सी थ्योरी आई, कैलोरिक थ्योरी आई। कैलोरिक थ्योरी यानी शुरुआत में लोग ये मानते थे कि हीट जो है ना वो एक तरीके का लिक्विड है। अगर दो बॉडी जिनका टेम्परेचर अलग अलग है उनको अगर कॉन्टैक्ट में रखें तो एक बॉडी जो हायर टेम्परेचर पे है उस और दूसरी बॉडी जो लोअर टेम्परेचर पे है, तो हायर से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी पे क्या होता है, वो कैलोरिक नाम का लिक्विड क्या करता है, फ्लो कर जाता है। वो इनविजिबल है, वेटलेस है, ओडोरलेस है। बात समझ आई। एक ऐसा लिक्विड है जो ना दिखाई देता है, ना उसका कोई वेट है, ना उसकी कोई खुशबू है, स्मेल भी नहीं है उसकी कोई। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? तो बेसिकली मैं समझा रहा हूँ, पहले ये लोग सोचते थे कि हीट क्या है, एक तरीके का लिक्विड है। बात समझ आई। अब वो डिस्कार्ड क्यों हुआ, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। डिस्कार्ड इसलिए हुआ क्योंकि कैलोरिक थ्योरी के पॉइंट्स में एक ये भी पॉइंट था कि बॉडीज़ के अंदर कैलोरिक होता है, हर बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ क्या होता है, कैलोरिक होता है, मतलब हीट होती है और बहुत थोड़ी क्वांटिटी में होती है। और जब दो ऑब्जेक्ट जिनके पास थोड़ा थोड़ा कैलोरिक है उनको अगर क्या करोगे, घसोगे, तो उसमें से है ना कुछ टाइम के बाद कैलोरिक बाहर निकल जाएगा, ऐसा ये थ्योरी में लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो हमने दो ऑब्जेक्ट्स लिए, उनको घसना शुरू किया,
तो जब जब जितनी देर तक घसते थे तब तक क्या होता था, हीट प्रोड्यूस होती जाती थी। तो अगर थोड़ा कैलोरिक है तो वो हीट प्रोड्यूस होकर के फिर बंद हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। थोड़ा उसको अगर क्या करेंगे, घिसने के बाद क्या हो जाता है, वो तो जब तक घिसते रहोगे तब तक क्या होगा, गर्म होता रहेगा। कैलोरिक थ्योरी के हिसाब से अगर क्या करोगे, दो चीज़ों को अगर घसोगे तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद पहले हीट प्रोड्यूस होगी और जब कैलोरिक निकल जाएगा उसमें से तो हीट प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगी, समझे, क्योंकि यहाँ से यहाँ कुछ ट्रांसफ़र हो ही नहीं पाएगा। तो बिल्कुल बकवास थ्योरी थी, गैसेंडी नाम का एक आदमी था, उसने ये थ्योरी दी थी, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो उसको अब छोड़ दो, वो तो पुरानी थ्योरी है, उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद जो है नई थ्योरी आई जिसको कहा जाता है काइनेटिक थ्योरी। अब उसको तुमने पढ़ा है डायनेमिक, वो बुक में लिखा है ना, हाँ, तो अब डायनेमिक बोल दो, काइनेटिक बोल दो, एक्चुअल नाम जो उसका फेमस है वो क्या है, काइनेटिक थ्योरी, ठीक है ना। तुम वो पढ़ी हो जो मैंने दिया है, मैं वो पढ़ा हूँ जो तुमने देखा भी नहीं है ना, तो दूसरी कौन सी है, काइनेटिक थ्योरी। तो अब काइनेटिक थ्योरी कुछ और कहती है, काइनेटिक थ्योरी का फंडा ही कुछ और है। काइनेटिक थ्योरी ये कहती है कि कोई भी, ज़्यादातर ये गैस के बारे में बात करती है, फिर उसके बाद में उसको जनरलाइज़ करते हैं। अभी हम लोग ज़्यादातर क्या करेंगे, गैस की बात करेंगे, क्योंकि जनरली हम गैस की बात करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो काइनेटिक थ्योरी एक ऐसी कहती है कि अगर आपके पास एक डब्बा है, उस डब्बे के अंदर क्या है, बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स है, फॉर एग्जांपल गैस भी तो मैटर ही है ना, तो गैस से पहले स्टडी कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास कई सारे मॉलिक्यूल्स है गैस के, यानी गैस भरी हुई। अब वो जो आपका डब्बे के अंदर गैस है, उसके पास वॉल्यूम है, टेम्परेचर है और प्रेशर है, तीनों चीज़ें इस वजह से हैं क्योंकि गैस जो है वो कंटिन्यूसली क्या है, रैंडम मोशन में, गैस कहीं पे रुकी हुई नहीं होती है। गैस के पार्टिकल्स क्या करते हैं, कंटिन्यूसली क्या होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। बस समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, तो ये थ्योरी का बेसिस ही है कि सारे पार्टिकल जो होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, ठीक है ना। इसके वजह से कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सिर्फ ट्रांसलेट करते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, कुछ पार्टिकल्स होंगे जिनके बीच में बॉन्ड होगा, वो क्या करेंगे, रोटेट भी करेंगे, और कुछ पार्टिकल्स क्या करेंगे, हायर टेम्परेचर पे क्या करेंगे, वाइब्रेट भी करेंगे। बात समझ आई, तो ये जो आपका काइनेटिक थ्योरी है, काइनेटिक थ्योरी ये कहती है कि जो आपके पास, यानी जो पार्टिकल्स के पास टोटल एनर्जी है, टोटल जो पार्टिकल्स के पास क्या है, एनर्जी है, वो एनर्जी है आपका इंटरनल एनर्जी। क्या है वो, इंटरनल एनर्जी। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ, जो आपके पास डब्बे के अंदर जो गैस भरी है, उस पार्टिकल क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, इनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स भी तो लगाते होंगे, हो सकता है गैस के पार्टिकल्स में, गैस में आयंस है, एक पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। बात समझ आई, तो ये फोर्स लगाने की वजह से उनके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी भी। अब ये एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को खींच रहा है, लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो उसके अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट गया वो, तो उसके पास क्या स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ आई, तो डायनेमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके पास एक डब्बा है, डब्बे के अंदर गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मोशन की वजह से उनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। बात समझ आई, और एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसके वजह से क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ आई, ठीक। ये दोनों एनर्जीज को मिला करके कहा जाता है इंटरनल एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, इंटरनल एनर्जी। ये गैस के पार्टिकल्स की क्या है, इंटरनल एनर्जी। यहाँ तक समझ आया, इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में से अब कौन कौन सी चीज़ें आ गई, इन जनरल काइनेटिक और पोटेंशियल। इंटरनल में और बहुत सारी एनर्जी है, लेकिन हम जनरली अभी क्या कंसिडर करेंगे, दो, कौन सा, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी आई, उसके अंदर क्या आया, काइनेटिक आया प्लस क्या आया, पोटेंशियल आया। अब इस इंटरनल एनर्जी में से जो काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट है, इस इंटरनल एनर्जी में से जो मॉलिक्यूल्स की सिर्फ कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, उस काइनेटिक एनर्जी को कहते हैं थर्मल एनर्जी। क्या कहते हैं इसको, थर्मल एनर्जी। बात समझ आई, तो आपके पास एक डब्बा है, डब्बे के अंदर फॉर एग्जांपल गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, कंटीन्यूअस रैंडम मोशन में है, और कंटीन्यूअस रैंडम मोशन में होने की वजह से उनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और साथ साथ में पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक कोई भी हो सकती है, ट्रांसलेशन वाली, रोटेशन वाली, वाइब्रेशन वाली, कोई भी काइनेटिक, सारी काइनेटिक को मिला दिया हमने, काइनेटिक हो गई और साथ साथ में क्या हो गई, पोटेंशियल होगी, इन दोनों को मिला करके क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी। क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी। और उस टोटल इंटरनल में से जो सिर्फ काइनेटिक वाला पार्ट है, उसका नाम क्या है, थर्मल एनर्जी।
अगर आप कई रेफरेंसेस देखेंगे तो वो थर्मल एनर्जी और हीट में कन्फ्यूज है। थर्मल एनर्जी ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ, पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, वो क्या है? थर्मल एनर्जी। यहाँ तक बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गई थर्मल एनर्जी। तो यहाँ तक तो ये समझ में आता है। अब दूसरी चीज़ जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो है टेम्परेचर। क्या है वो? टेम्परेचर। तो थर्मल एनर्जी पहले बताओ क्या चीज़ है? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द मैटर या ऑफ सब्सटेंस। बात समझ? सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है? थर्मल एनर्जी। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना। एक्चुअली थर्मल एनर्जी किसका पार्ट है? इंटरनल एनर्जी का। आपको कौन सी गैस पढ़ाएंगे ये भी बता देता हूँ मैं आपको। पढ़ाएंगे आइडियल गैस। आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, तो उस केस में आपको ये बताया जाएगा कि जो इंटरनल एनर्जी है वही क्या है? थर्मल एनर्जी। लेकिन एक्चुअली इंटरनल एनर्जी में दो एनर्जी आ रही है, कौन कौन सी? काइनेटिक और पोटेंशियल। केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स में और बताएंगे, और वाइब्रेशन वाली, बॉन्ड वाली, बहुत सारी एनर्जी ऐड करेंगे। अभी मैं बेसिक फंडे पे बात कर रहा हूँ, काइनेटिक और पोटेंशियल। ठीक है, आगे चलते हैं। तो थर्मल एनर्जी क्या चीज़ हुई? थर्मल एनर्जी हुई टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसको आप क्या बोलोगे? थर्मल एनर्जी बोलोगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, अब है टेम्परेचर। क्या चीज़ है? टेम्परेचर। ये टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर होता है, ध्यान से सुनना, टेम्परेचर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। आप बोलेंगे सर नहीं समझा, मतलब समझाता हूँ मैं। इसके पास इन सब की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो फॉर एग्जांपल कितनी है? 100 जूल। कितनी है? 100 जूल। बात समझ आई? और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल है 50। कितने मॉलिक्यूल है? 50 मॉलिक्यूल। समझे? तो मुझे बताओ 100 जूल क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वही क्या होती है? थर्मल एनर्जी। यानी थर्मल एनर्जी कितनी है? 100। बात समझ आई? अब अगर मैं टेम्परेचर आपसे पूछूंगा तो टेम्परेचर का मतलब होता है आपकी थर्मल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का नंबर कितना है? कितनी है काइनेटिक एनर्जी हमारी? 100। कितने नंबर है मॉलिक्यूल के? 50। कितना आएगा? 2। 5 × 1 = 2, 2 जूल पर मॉलिक्यूल। ये आपका टेम्परेचर। ये चीज़ होती है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है काइनेटिक एनर्जी का एवरेज, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। टोटल काइनेटिक एनर्जी लो, डिवाइड किससे करो? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दो। तो ये आपको क्या देगा? टेम्परेचर देगा। यानी बेसिकली टेम्परेचर किस पर डिपेंड कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब टेम्परेचर डिपेंड करता है स्पीड पे। किसकी स्पीड पे? हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर मतलब क्या? स्पीड। स्पीड का स्क्वायर मतलब टेम्परेचर डिपेंड करता है किस पे? स्पीड पे। मतलब अगर मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर मॉलिक्यूल की स्पीड कम होगी तो क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा। वो जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि अच्छा प्रेशर डिफरेंस का मतलब ये होता है कि यहाँ पर दबाव ज़्यादा है, यहाँ पर दबाव कम, तो टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब होता है कि अगर एक बॉडी 100 डिग्री सेल्सियस पे और एक बॉडी 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो 100 वाले बॉडी के मॉलिक्यूल्स की स्पीड ज़्यादा होगी और उनकी स्पीड कम होगी। अब समझा ये मतलब? अब समझा टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब? इसका टेम्परेचर ज़्यादा, इसका टेम्परेचर कम, क्या मतलब? इसके मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या है? ज़्यादा। इसके मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या है? कम। ये मतलब है इसका। बात समझ आई? क्लियर हो गया? अब हीट पे नहीं आया हूँ अब तक मैं। मैंने थर्मल एनर्जी पढ़ाया और क्या पढ़ाया अभी? टेम्परेचर। अभी मैं हीट पर आता हूँ, हीट समझाता हूँ आपको हीट क्या है। तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स मैंने लिए, जैसे शुरुआत में मैंने 100 डिग्री सेल्सियस का एक ऑब्जेक्ट लिया और एक 25 डिग्री सेल्सियस का ऑब्जेक्ट लिया, अब मुझे ये समझ में आ गया कि 100 वाले मॉलिक्यूल, 100 डिग्री सेल्सियस वाले ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल की स्पीड ज़्यादा और 25 वाले की स्पीड कम। अगर ऐसा है तो ये दोनों को कॉन्टैक्ट में लाने पर क्या हो जाता है? फ्लो हो जाता है। कुछ क्या फ्लो होता है? हीट फ्लो होता है। अब मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ हीट। अब होता क्या है? होता ये है कि मेरी बात ध्यान से सुनना, जो ये डब्बा है और ये डब्बा है, इन दोनों डब्बे में मॉलिक्यूल होंगे। समझ लो दोनों में गैसेस भरी हुई है, दोनों में मॉलिक्यूल होंगे। मॉलिक्यूल घूम रहे होंगे, उनके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, साथ साथ में क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इनके पास टोटल क्या है? इंटरनल एनर्जी। इसके पास भी क्या है? इंटरनल एनर्जी। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है, क्या मतलब हुआ इसका? इसके मॉलिक्यूल तेजी से भाग रहे हैं, इसके मॉलिक्यूल स्लो भाग रहे हैं। अब अगर टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तो यहाँ से कुछ फ्लो हो जाता है, वो क्या है? हीट।
कि हीट का मतलब ये है कि यहाँ से इंटरनल एनर्जी का कुछ हिस्सा निकलेगा और यहाँ पर क्या करेगा, चला जाएगा। बस समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ? यहाँ से क्या निकलेगा, इंटरनल एनर्जी का कौन सा हिस्सा निकलेगा, थर्मल एनर्जी वाला पार्ट। तो इंटरनल एनर्जी का कुछ हिस्सा यहाँ से कम होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके पास चले जाएगा। बात समझ आई? तो हम ये बोलेंगे यहाँ से हीट निकली और क्या हो गई, यहाँ पर हीट क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, यानी इसने हीट को एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ तक बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या, तो बेसिकली हीट एनर्जी है क्या? नहीं, हीट तो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। यहाँ से इंटरनल एनर्जी निकली यानी थर्मल एनर्जी निकली और इसके पास चली गई, तो ये जो रास्ते में गई वो गई क्या, थर्मल एनर्जी। लेकिन वो किसके ज़रिए गई, हीट के ज़रिए। तुम समझ रहे हो मेरी बात? हीट क्या है, हीट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यहाँ की इंटरनल एनर्जी को निकाल के यहाँ पर कौन लेकर जाएगा, हीट लेकर जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हीट वैसे ही है जैसे वर्क है। वर्क इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। एग्जांपल के तौर पे, कहीं पर आपके घर में वॉश बेसिन होगा तो ऊपर टाकी होती है, नीचे सिंक होता है, ऐसे ही होता है ना, ठीक है ना। तो अब क्या, टाकी का पानी, आपने नल खोला, टाकी का पानी आया, आपने हाथ धोया, उसके बाद इसको बंद कर दिया, अब क्या हो गया, वो पानी कहाँ चला गया, सिंक में चला गया, ऐसी है। तो इसमें आपने एक टाइप ऑफ वाटर को, प्योर वाटर को क्या कर दिया, खराब मतलब कंटामिनेटेड वाटर में कन्वर्ट कर दिया, उसके अंदर डर्ट आ गया। तो आपने ये जो बीच में क्या लगाया, वॉश बेसिन लगाया ना, ये क्या कर रहा है, उसको इसमें कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा है। तुम समझ रहे हो मेरी बात? उसको इसमें कन्वर्ट करने में हेल्प कौन कर रहा है, वॉश बेसिन कर रहा है। बात समझ आई? यही काम करता है वर्क भी। वर्क क्या करता है, एनर्जी को कन्वर्ट करने में, ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करता है। अभी कौन सी एनर्जी इसके पास, पोटेंशियल। अब देखो काइनेटिक, काइनेटिक कैसे हुआ बताओ। हाँ नहीं नहीं, काइनेटिक ऐसा हुआ, चलने लगा ना ये रास्ते में ही, तो ये काइनेटिक कैसे हुआ, अर्थ ने इस पर वर्क किया, अर्थ ने इसको पकड़ के खींचा, फोर्स लगा करके डिस्प्लेसमेंट किया, यानी क्या किया, वर्क किया। तो अर्थ ने क्या किया, पोटेंशियल को किसमें कन्वर्ट किया, काइनेटिक में। कैसे किया, वर्क के जरिए। तो वर्क क्या है, वर्क इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। वर्क जैसे वॉश बेसिन हेल्प करता है प्योर को कंटामिनेटेड में कन्वर्ट करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही वर्क हेल्प करता है एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। बिल्कुल वैसे ही हीट हेल्प करता है क्या करने के लिए, एक ऑब्जेक्ट की थर्मल एनर्जी दूसरे ऑब्जेक्ट की थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, यानी यहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए। समझ आया? ये है जो काम वर्क कर रहा है, वही काम हीट कर रहा है। तो हीट क्या है, इट्स अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी यहाँ से थर्मल एनर्जी निकालो और उधर पहुँचा दो, ये है हीट। इसी वजह से अगर आप रेफरेंस भी पढ़ेंगे, आपकी बुक भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर लिखा होगा हीट इज द एनर्जी इन ट्रांजिट। हीट इज द एनर्जी इन ट्रांजिट, ये रीड किया होगा शायद तुमने कभी। हीट क्या है, एनर्जी इन ट्रांजिट यानी एनर्जी इन मोशन। अगर वो उसको एनर्जी बोलते भी हैं तो सिर्फ मोशन वाली एनर्जी। ये बोलना गलत है कि अभी ये डब्बे में जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी है, गलत है। डब्बे में कौन सी एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी। ये डब्बे में कौन सी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। यहाँ से यहाँ जो फ्लो करके गई वो क्या है, अगर हीट को एनर्जी बोलना है तो यहाँ से यहाँ तक फ्लो करके क्या गया, थर्मल एनर्जी। कुछ कुछ किताबें उसको हीट एनर्जी बोल देती है। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो जो फ्लो करके गया एनर्जी इन ट्रांजिट, यहाँ से यहाँ फ्लो करने के रास्ते में जो एनर्जी थी वो क्या है, हीट एनर्जी। ये बोलना गलत है हीट ऑफ अ बॉडी या हीट इन अ बॉडी, मीनिंगलेस टर्म है। बॉडी के अंदर हीट या बॉडी की हीट, कोई मतलब नहीं इसका। बॉडी के अंदर हीट नहीं होती है, क्या होती है, इंटरनल एनर्जी। बात समझ आई? बॉडी के अंदर हीट नहीं होती है, क्या होती है, इंटरनल एनर्जी। हीट इज द एनर्जी इन ट्रांजिट, क्या मतलब, जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर करके यहाँ चला गया। क्यों गया, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो जो यहाँ से ट्रांसफर होकर के गया वो क्या है, थर्मल एनर्जी। और कुछ किताबें उसको क्या कहती हैं, हीट एनर्जी। बात समझ आई? तो हीट अगर एनर्जी है तो एनर्जी इन ट्रांजिट है बस। बॉडी के अंदर कोई हीट नहीं होती, बॉडी के अंदर क्या होती, इंटरनल एनर्जी। अब जो थर्मल एनर्जी यहाँ से यहाँ पहुँची, यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ से क्या क्या ट्रैवल करके गया, हीट एनर्जी। बुक के अकॉर्डिंग हीट एनर्जी ट्रैवल करके गई, तो अब ये डब्बे में पहुँची तो वो क्या बन गई, इंटरनल एनर्जी। ये नहीं बोलने का उसकी हीट एनर्जी है, क्या बढ़ गई, इंटरनल एनर्जी। इधर से इंटरनल एनर्जी कम होगी और ये साइड से इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, विजय में जा रहा है। तो हीट क्या है, हीट अगर एनर्जी बोलना है तो एनर्जी इन ट्रांजिट बोलना है। अगर एनर्जी बोलेंगे बुक के अकॉर्डिंग तो क्या है, एनर्जी इन ट्रांजिट। मेरे अकॉर्डिंग हीट क्या है, मेरे अकॉर्डिंग हीट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी ट्रांसफर करने का बस एक मोड है और कुछ नहीं, हीट। जैसे वर्क है वैसी क्या है, हीट है। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ आया? वापस से एक बार
तीन टर्म्स होते हैं जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। पहला टर्म है थर्मल एनर्जी, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है हीट। ठीक है ना। सबसे पहले थर्मल एनर्जी क्या है, डब्बे में क्या है, गैस भरी हुई। अच्छा सॉलिड भी ले लोगे तो भी उसकी इंटरनल एनर्जी होगी, कैसे बोलो। ये सॉलिड ले लिया मैंने, इसके पास इंटरनल एनर्जी नहीं है क्या? सॉलिड के मॉलिक्यूल अपनी जगह पर क्या करते हैं, वाइब्रेट, तो है ना उनके पास मोशन वाली एनर्जी, तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी, बॉन्ड की वजह से जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी, तो उसके पास भी क्या है, इंटरनल एनर्जी। लिक्विड के पास भी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी। ठीक है ना। अब क्या, तो कोई भी सब्सटेंस आप लो, कोई भी मैटर लो, ज़्यादातर हम किसकी बात करेंगे, गैस की, इसलिए मैं गैस का एग्जांपल ले रहा था। तो डब्बे में क्या है, गैस, गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, क्यों मूव करते हैं, वे नज़र आते हैं, मूव कर रहे हैं, है ना, नज़र आते हैं, मतलब हम इसको इमेजिन करते हैं, बचपन से वैसी पिक्चर देखा हमने उसको। तो गैस के अंदर क्या है, डब्बे के अंदर क्या है, गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मतलब उनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, इस वजह से क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ आई, ठीक है। ये दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का जो काइनेटिक वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी। तो द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज थर्मल एनर्जी। इसी को क्या कंफ्यूज कर लेते हैं लोग, हीट से, नहीं वो थर्मल एनर्जी है। बात समझ आई, बॉडी के अंदर हीट नहीं है, बॉडी की हीट नहीं होती। बात समझ आई, बॉडी के अंदर क्या होती है, इंटरनल एनर्जी। बात समझ आई, ठीक है ना। हीट क्या होता है, अगर एनर्जी बोलेंगे तो एनर्जी इन ट्रांजिट, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करते हुए जो एनर्जी गई वो क्या है, हीट है। लेकिन एक्चुअली बोलना क्या चाहिए उसको, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यहाँ तक सबको समझा है, ठीक। थर्मल एनर्जी क्लियर है, मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है, थर्मल एनर्जी। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवरेज ही निकलेगा ना इससे, काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूल, यानी काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल पे जितनी काइनेटिक एनर्जी वो क्या है, टेम्परेचर। बात समझ आई, यानी टेम्परेचर किससे रिलेट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी टेम्परेचर किससे रिलेट करेगा, स्पीड से। अगर मॉलिक्यूल की स्पीड ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, स्पीड कम, टेम्परेचर कम। बात समझ आई, गरम गरम पतीले पे तुम जाके हाथ लगाते हो, क्या बोलते हो, अरे चटका लगा, बोलते हो ना, चटका लगा, चटका नहीं लगा, फटका लगा। कैसे बताता हूँ मैं, जब उसका तुमने हीट करके टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल की क्या हो गई, स्पीड बढ़ गई। तो जैसे ही तुमने पतीली को हाथ लगाया तो वहाँ का स्पीड वाला मॉलिक्यूल आकर के इतनी ज़ोर से हीट करता है कि तुम्हारी उंगली पे लग जाता है, क्योंकि स्पीड बढ़ गई ना, स्पीड बढ़ गई, हाथ पे लग गया, तुम क्या बोलोगे, चटका लगा, चटका नहीं लगा, फटका लगा। अब समझा, वो उसका इफेक्ट वहाँ तक पहुँच जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये रखूँ, मैं बोलता हूँ तुमने चेहरे पे रखा, मैं पीछे से पंच मारता हूँ, इफेक्ट आएगा नहीं आएगा, आएगा, आएगा ना। बस वही कहानी है, ये नहीं सोचना कि पतीली तो मेटल की बनी हुई है या स्टील की बनी हुई है तो इफेक्ट नहीं आएगा, इफेक्ट तो आएगा। बस समझ आई, ठीक है ना। चलो भाई, तो बेसिकली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चटका नहीं होता, बेसिकली क्या होता है, फटका। बेसिकली होता यह है कि मॉलिक्यूल की आप क्या करते हो, हीट एनर्जी दे करके स्पीड बढ़ा देते हो, और स्पीड बढ़ाने की वजह से क्या होगा, जब आप उसको टच करोगे तो बहुत जोर में आपको क्या लगेगा, चटका लग जाएगा, उसको आप चटका बोल देते हो। बात समझ आई, वैसे ही होगा। कभी कभी चटका लगने के बाद देखो काला काला हो जाता है, हो जाता है ऐसा, कभी कभी मार लगने के बाद भी काला काला हो जाता है, वही तो है, मार तो लगी है। अब समझ आया, ऐसे काम करता है। बात समझ आई, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेम्परेचर स्पीड से रिलेटेड है, यानी काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। अगर मॉलिक्यूल की स्पीड ज़्यादा मतलब टेम्परेचर ज़्यादा, स्पीड कम मतलब टेम्परेचर कम। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी और चीज़ें बतानी बाकी हैं, बताऊँगा। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो डेफिनेशन लिखो फटाफट से, तीन डेफिनेशन लिखने, ठीक है। डेफिनेशन लिखो सबसे पहले थर्मल एनर्जी, अच्छा इंटरनल एनर्जी ये लिखो पहले, इंटरनल एनर्जी। द मेजरमेंट ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी, द मेजरमेंट ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी of particles, the measurement of total kinetic energy plus the total potential energy of particles in a substance of particles in a substance is called as internal energy,
कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए थर्मल एनर्जी. द काइनेटिक पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी द काइनेटिक पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी इज कॉल्ड एज थर्मल एनर्जी. द काइनेटिक पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी इज कॉल्ड एज थर्मल एनर्जी. और करके और एक डेफिनेशन लिखो थर्मल एनर्जी का. द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज थर्मल एनर्जी. तो एक सब्सटेंस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसको भी क्या बोलेंगे, थर्मल एनर्जी बोलेंगे. बात समझ आई? ठीक, क्लियर है. इसके बाद आगे क्या है, टेम्परेचर लिखिए. टेम्परेचर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी. टेम्परेचर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इन अ सब्सटेंस. एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इन अ सब्सटेंस. और करके लिखो. और टेम्परेचर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिख दो उसका. ये सब डिराइव कराऊंगा अगले साल, KTG में आएगा, ये डेरिवेशन है इसका. ठीक है, और टेम्परेचर इज इक्वल्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. टेम्परेचर इज इक्वल्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग मुझे बताइए. आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर गर्म पानी है या चाय है, समझ लो उसके अंदर चाय है. और आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर, बड़ा कंटेनर है, उसके अंदर पानी है. मुझे बताओ दोनों में से एनर्जी किसके पास ज़्यादा है. थर्मल एनर्जी इसके पास ज़्यादा है, गधो. अगर मैं पूछूँ दोनों में से टेम्परेचर किसके पास ज़्यादा है, ये चाय गर्म है तो टेम्परेचर, और ये ठंडा है, ये रूम टेम्परेचर पे चाय गर्म है, टेम्परेचर किसका ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन एनर्जी उसकी ज़्यादा है. क्यों एनर्जी उसकी ज़्यादा है, यही मैं समझा रहा हूँ आपको कि ये एनर्जी ऑफ चाय और ये एनर्जी ऑफ क्या है, वाटर. ये टेम्परेचर ऑफ चाय और टेम्परेचर ऑफ वाटर. चाय का टेम्परेचर ज़्यादा है, एनर्जी वाटर की ज़्यादा है. क्यों, मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो टोटल सबका सम क्या होगा, ज़्यादा होगा. तो दोनों में से ज़्यादा एनर्जी किसके पास है, थर्मल एनर्जी, वाटर के पास. लेकिन टेम्परेचर किसका ज़्यादा है, चाय का. ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेम्परेचर थर्मल एनर्जी का मेजरमेंट नहीं है. मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, टेम्परेचर ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि थर्मल एनर्जी ज़्यादा. टेम्परेचर ज़्यादा का मतलब है कि इसके मॉलिक्यूल की स्पीड ज़्यादा है, इसके मॉलिक्यूल की स्पीड कम है. अब समझे, तुम बचपन से यही नोशन लेके बैठते हो कि एनर्जी, थर्मल एनर्जी ज़्यादा मतलब टेम्परेचर ज़्यादा, गलत. समझे, थर्मल एनर्जी ज़्यादा
टेम्परेचर ज़्यादा मतलब मॉलिक्यूल की स्पीड ज़्यादा, उसकी काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ज़्यादा, बात समझ आई। और थर्मल एनर्जी यहाँ पर इसकी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल ज़्यादा है, मॉलिक्यूल ज़्यादा तो सबकी काइनेटिक एनर्जी ऐड होकर के क्या होगा, ज़्यादा वैल्यू बनाएगा, इस वजह से इसकी एनर्जी ज़्यादा। तो इस एग्जाम्पल से ये समझ आता है कि टेम्परेचर इज़ नॉट द मेजरमेंट ऑफ थर्मल एनर्जी, बात समझ आई। टेम्परेचर किस चीज़ का मेजरमेंट है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल की स्पीड का, बात समझ आई। टेम्परेचर क्या मेजर करेगा, मॉलिक्यूल की स्पीड, फास्ट है या स्लो है, ये मेजर करेगा, बात समझ आ रही, ठीक है ना। चलो भाई, तो टेम्परेचर इज नॉट द मेजरमेंट ऑफ थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी का मेजरमेंट नहीं। आप बोलेंगे फिर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस वो कैसा है, तो वो तो वही बताता है ना, अगर मॉलिक्यूल की स्पीड ज़्यादा होगा तो गर्म होगा, मॉलिक्यूल की स्पीड कम होगी तो क्या होगा, ठंडी लगेगी। आजकल ठंडी क्यों है, मॉलिक्यूल की स्पीड कम है, बात समझ आई। तुमको एक एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था ये कि तुम क्या कर दो, एसी ऑन करो, पूरा रूम पैक करो, एसी ऑन करो, फ़ैन को 5 पे चलाओ, गर्म होना शुरू होगा, पता है ना कब तक ठंडी लग, वो गर्म कर देता है रूम को, क्यों, क्योंकि फ़ैन अपनी खुद की हवा प्रोड्यूस करता है क्या, वो फ़ैन क्या करता है, आसपास की हवा को खींच के आपके तरफ क्या करता है, रोटेट करता है, फेंकता है आपकी तरफ, आसपास की हवा को जमा करके क्या करता है, आपकी तरफ फेंकता है, समझे। अब आपने क्या कर दिया, आपने एसी लगा करके क्या किया, एसी लगा करके टेम्परेचर को कम करना चाहा, टेम्परेचर कम मतलब मॉलिक्यूल की स्पीड कम, तो आपने मॉलिक्यूल को धीमा कर दिया, लेकिन आपने फिर फ़ैन को ऑन करके क्या कर दिया, उस प्रोसेस को उल्टा कर दिया, मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ गई, बात समझ आई। तो क्या होगा, वो टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा। शुरू शुरू में जब तुम आओगे, एसी चल रहा है, फ़ैन तुमने ऑन किया, तो थोड़ा बहुत तो हाँ ठंडी लगती, क्यों, जब तक पसीना नहीं सूखेगा तब तक तुमको लगेगा, जहाँ पसीना सूखा 5 पंखा चलाओ, वो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने ही नहीं देगा, समझे। इसलिए कहा जाता है कि एसी के साथ में फ़ैन मत चलाओ, अगर चलाना पड़े तो 5 पे मत चलाओ, 2 पे चलाओ, 1 पे चलाओ, मैक्सिमम 3 पे चलाओ। आपको समझ आया, कभी भी एसी रिपेयर करने वाला आता है ना, वो हमेशा बोलता है एसी ऑन किया ना, फ़ैन बंद कर दो, उसको भले नहीं पता होगा, अपने को रीज़न पता है, उसको सिखा दिया जाता है कि जब एसी ऑन होगा तो फ़ैन ऑन नहीं करना, बात समझ आई, ठीक है ना। चलो तो ऐसा है, ठीक, यहाँ तक समझ आया। तो टेम्परेचर ये नहीं मेजर करता है कि किसके पास कितनी थर्मल एनर्जी है, टेम्परेचर क्या मेजर करता है, काइनेटिक एनर्जी कितनी ज़्यादा है, स्पीड के बारे में। काइनेटिक एनर्जी मतलब स्पीड ज़्यादा मॉलिक्यूल की तो टेम्परेचर ज़्यादा, स्पीड कम तो टेम्परेचर कम, बात समझ आई। और टेम्परेचर को हमने एक ऐसा भी पैरामीटर बनाया, अब टेम्परेचर ये भी डिसाइड करता है कि हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, हायर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। टेम्परेचर ये भी बताएगा कि कहाँ पर हॉटनेस ज़्यादा है, कहाँ पर कोल्डनेस ज़्यादा है, ये भी टेम्परेचर एक पैरामीटर बताने का, हॉटनेस और कोल्डनेस। जो आपने पढ़ा है वो गलत नहीं पढ़ा है, आपने अधूरा पढ़ा है। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ये हम लोग सही बोलते हैं। तो हम लोग मेजर कैसे करते हैं, मॉलिक्यूल की स्पीड के हिसाब से, बात समझ आई। वो आपको सही बताता है कि टेम्परेचर कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी कुछ दिनों से ठंडी पड़ रही है, पड़ रही है ना। अब कोई तुम में से जा करके मुंबई में रह करके आता है, वो बोलता है वहाँ ठंडी ज़्यादा है, और फतीन बोलता है नहीं यहाँ ठंडी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसमें तो झगड़ा हो जाएगा, क्यों, क्वालिटेटिव बात है, उसको लग रहा है कि वहाँ ठंडी ज़्यादा है, इसको लग रहा है यहाँ ठंडी ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, मेजर करेंगे, क्योंकि फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट क्या मेजर करेंगे, टेम्परेचर। टेम्परेचर बताएगा कि कहाँ पर एक्चुअली ठंडी ज़्यादा है। तो अगर पता करना है कि कहाँ पर हॉटनेस ज़्यादा है, कहाँ पर कोल्डनेस ज़्यादा है, कहाँ सर्दी ज़्यादा है, कहाँ गर्मी ज़्यादा है, अगर आपको पता करना है तो आप टेम्परेचर के बेसिस पे मेजर करते हैं, बात समझ आई। वो सही है, लेकिन टेम्परेचर क्या है वो आपको समझाया आज मैंने। टेम्परेचर थर्मल एनर्जी का मेजरमेंट, टेम्परेचर क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की स्पीड ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा, स्पीड कम, टेम्परेचर कम, बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, यहाँ तक समझ में आता है, चलो क्लियर है। अच्छा, और एक बात, टेम्परेचर जो है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पे ही डिपेंड करता है। मतलब अगर मॉलिक्यूल की स्पीड आप बढ़ा दो तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। मॉलिक्यूल स्पीड बढ़ेगी, जैसे मेरे पास कंटेनर है, उसके अंदर गैस भरी है, ध्यान से सुनो, कंटेनर है, गैस भरी है, मैंने उसको हीट कर दिया, हीट करने से क्या हुआ, हीट करने से मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ गई, है ना। पोटेंशियल मैं अगर स्पीड बढ़ा दूंगा तो क्या बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन डब्बे के अंदर जो मॉलिक्यूल थे उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी थी और साथ साथ में क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी भी थी। तो हमने क्या कर दिया, हमने काइनेटिक एनर्जी को अब कांस्टेंट कर दिया और जो पोटेंशियल एनर्जी उसको बढ़ा करके देखा,
कि अगर एनर्जी पे डिपेंड करता है तो काइनेटिक पे और पोटेंशियल पे दोनों पे डिपेंड करता है, सिर्फ काइनेटिक पे। तो हमने क्या किया, डब्बे के अंदर जो गैस है उसकी काइनेटिक एनर्जी को फिक्स कर दिया और उसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा करके देखा। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा करके देखा तो टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट, यानी जो डब्बे के अंदर मॉलिक्यूल है उसके पास, मॉलिक्यूल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसी से इफेक्ट होता है कौन, टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी। बाकी कोई भी एनर्जी चेंज कर दो टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉलिक्यूल की स्पीड चेंज कर दो टेम्परेचर, क्योंकि स्पीड चेंज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो टेम्परेचर जो है सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है, पोटेंशियल और बाकी चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता। चलो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। इसके अलावा अब फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आपको बता चुका हूँ मैं। हाँ, क्या क्या लिखा, डेफिनेशन थर्मल एनर्जी का लिख दिया, लिख दिया टेम्परेचर। अब आगे लिखो हीट का डेफिनेशन। हीट मे बी डिफाइंड एज, हीट मे बी डिफाइंड एज एनर्जी इन ट्रांजिट, एनर्जी इन ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब मोशन में, वो एनर्जी जो मोशन में होती है। तो यहाँ से यहाँ जाने में जो एनर्जी जा रही है वो क्या है, हीट है, अगर एनर्जी माननी है तो। और करके दूसरा डेफिनेशन लिखो, बट प्रिसाइसली, ऐसे लिख दो बट प्रिसाइसली, दूसरा डेफिनेशन बोला था ना मैंने, लिखो बट प्रिसाइसली हीट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी which helps to transfer thermal energy from one system to another system, which helps to transfer thermal energy from one system to another system। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफ़र करने में कौन हेल्प करता है, हीट। तो हीट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और इट्स अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। ठीक है, फिर जो टेक्स्ट बुक में भी हीट बोला है ना, वो हीट नहीं, वो बेसिकली किसकी बात कर रहा है, थर्मल एनर्जी। क्योंकि बॉडी के अंदर हीट या बॉडी की हीट का कोई मतलब नहीं है। स्टार बना के पॉइंट लिखो, हीट इन बॉडी, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है इसको, हीट इन बॉडी और हीट ऑफ अ बॉडी, हीट इन बॉडी और हीट ऑफ अ बॉडी, इसको भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, हीट इन बॉडी डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर उसके बाद हीट ऑफ अ बॉडी डबल इन्वर्टेड कॉमा, हैज नो मीनिंग, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बॉडी के अंदर हीट नहीं होता है। बॉडी के अंदर क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी का एक पार्ट क्या है, थर्मल एनर्जी। बात समझ आई, ठीक है ना। तो हीट इन अ बॉडी और हीट ऑफ अ बॉडी हैज नो मीनिंग, इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना, आर मीनिंगलेस। चलो यहाँ तक भी बात समझ में आ गई, चलो क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिट लिख लो इसके, यूनिट ऑफ हीट इज जूल, ठीक है ना। तो बच्चा बोलेगा सर अगर हीट एनर्जी नहीं है तो जूल क्यों है, तो वर्क एनर्जी है क्या, उसका भी यूनिट क्या है, ठीक है ना। तो हीट का क्या है यूनिट, इट्स यूनिट इज जूल, उसका यूनिट जूल है, ठीक है ना। और बहुत कॉमन यूनिट क्या है हीट का, कैलोरी, ये भी लिख लो, एंड कॉमन यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी,
कॉमन यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी। वन कैलोरी कितना होता है? 4.18 जूल। वन कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल। हम लोग अप्रोक्सीमेटली इसको 4.2 जूल लेंगे कैलकुलेशन में, ठीक है? 4.18 जूल एंड अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल्स। ठीक है, चलो टेम्परेचर का यूनिट क्या है? डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, है ना? लिख लो उसको भी, टेम्परेचर के वहाँ पर लिख लो उसको। हाँ, एनर्जी है ना, तो जूल, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी का जूल। ठीक है, चलो अब हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस लिखना है, ये पूछा गया है। वो हीट बोल रहा है, मतलब वो क्या बोल रहा है? थर्मल एनर्जी। बात समझ आई? ठीक है ना, आप खुद से डिस्टिंक्शन ट्राई करो जल्दी से, हीट वर्सेस टेम्परेचर। चार पॉइंट लिखने हैं आपको। हीट मतलब थर्मल एनर्जी। ठीक है, चलो भाई, ठीक है। तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल दी मॉलिक्यूल्स है, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी मतलब उसी को हीट बोल रहे हैं आपके बुक में। टेम्परेचर, इट इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। उसके बाद इट इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग कैलोरी मीटर, इट इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग थर्मोमीटर। हीट एक डिराइव क्वांटिटी है, टेम्परेचर है, एसआई सिस्टम में हीट एक डिराइव क्वांटिटी है और एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये इसका एसआई यूनिट जूल है, इसका एसआई यूनिट केल्विन। ठीक है, ठीक है, चलो ये तो हो गया, हीट और टेम्परेचर पे डिस्कशन कंप्लीट हुआ अपना। अब जो है इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? थर्मोमेट्री। हेडिंग लगाओ, थर्मोमेट्री क्या है? थर्मोमेट्री क्या चीज़ होती है? एक थर्मोमेट्री, थर्म मतलब वही हीट, थर्मल एनर्जी, और मेट्री मतलब मेजरमेंट, ठीक है ना? तो टेम्परेचर का मेजरमेंट जहाँ पढ़ेंगे वो क्या होगा? ज्योमेट्री। आपने जियोमेट्री पढ़ा है, मतलब क्या? अर्थ का मेजरमेंट। बात समझ आई? बिल्कुल वैसे ही थर्मोमेट्री, ठीक है ना? तो लिखो, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड एज थर्मोमेट्री, इज कॉल्ड एज थर्मोमेट्री। इसको थर्मोमेट्री कहते हैं, विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड एज थर्मोमेट्री। ठीक है ना, थर्मोमेट्री हो गया। उसके बाद थर्मोमीटर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस जो क्या करेगा? हीट को मेजर करेगा। लिख लो, टेम्परेचर को मेजर करेगा, एक ऐसा डिवाइस जो क्या करेगा? टेम्परेचर को मेजर करेगा। ठीक है, लैटिन वर्ड में थर्मो का मतलब हीट ही होता है, थर्मोमीटर। थर्मो मतलब हीट, मीटर हीट का मेजरमेंट, लेकिन एक्चुअली क्या है? टेम्परेचर का मेजरमेंट। ये इतना गड़बड़ वाला ये टॉपिक है ना, क्योंकि इसमें ऐसा हो गया कि जब आप लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा दिया गया था, जिस टाइम पर पढ़ाया गया उस टाइम की बात कर रहा हूँ,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, यानी फ्लॉट बोलते हैं उसको, फ्लॉट हो गया, स्लॉट हो गया, प्लॉट हो गया, तीनों लॉस पढ़ लिए, तीनों में टेम्परेचर को यूज़ कर लिया, लेकिन टेम्परेचर को डिफाइन ही नहीं किया गया था कि टेम्परेचर है क्या। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? तो फिर हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तीनों पढ़ा दिए गए, लेकिन इसमें ये तीनों में टेम्परेचर यूज़ कर लिया, लेकिन टेम्परेचर का प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दिया गया। तो जीरोथ लॉ कर एक नया लॉ आया, इसको फिर नाम रखा गया कि अगर टेम्परेचर को डिफाइन करना है तो इसको चौथा लॉ बनाना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा, या फिर अगर चौथा लॉ बनाएंगे तो टेम्परेचर कैसे बाद में डिफाइन कर रहे हैं, तो फिर इसको तो पहला लॉ बनाना पड़ेगा। जब पहला लॉ बना देंगे तो पहला वाला लॉ दूसरे पे आ जाएगा, दूसरा लॉ तीसरे पे आ जाएगा, तीसरा चौथे पे आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे पढ़ेंगे, नया वाला थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ या पुराना वाला थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ? इस वजह से तीन लॉ को वहीं रखा गया और इसके ऊपर बनाया गया जीरोथ लॉ, जीरो नंबर का लॉ, समझे? अगले साल पढ़ना है वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें फिर टेम्परेचर को डिफाइन किया जाता है, जीरोथ लॉ।